हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे थ्री ऐसा इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें FII ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है FII ने ये तीन बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में। तो वो कौन सा स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला जो स्टॉक्स है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो एक साल का रिटर्न है वो आप लोग देख सकते हो कि 262% से भी ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक्स ने दिया हुआ है, 262% से भी ज़्यादा। और अभी देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। तो देखिए, FII ने यहाँ पे 47.78% रिटर्न जनरेट किया है, मतलब लगभग 50% FII का इसमें हिस्सेदारी है, इस स्टॉक्स में भरोसा है। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक्स को आप भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और एक ब्यूटीफुल बैंक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक साल में ये स्टॉक्स जो है इसमें 471% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो एक बहुत ही बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स में से कोटक महिंद्रा बैंक भी है। अभी देख लेते हैं इसका जो शेयर पैटर्न है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना परसेंट होल्ड करके रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 44% से भी ज़्यादा इस स्टॉक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे स्टेक यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। 44% से भी ज़्यादा कोटक महिंद्रा बैंक में इसका हिस्सेदारी है। तो कितना अच्छा बैंक है आप लोग इससे समझ सकते हो कि जो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन बैंक पर इतना भरोसा है तो ये बैंक आगे दिन में चल के कितना एक अच्छा रिटर्न आपको भी दे सकता है। तो इस स्टॉक्स को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी एक बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स है, वो है एक्सिस बैंक। इसका देखिए एक साल में कितना परसेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक साल में ये स्टॉक्स करीब 312% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स में से है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक चौंकाने वाला आपको एक डेटा मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे FII ने 51% से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड करके रखा है स्टॉक्स में। FII ने 51% से भी ज़्यादा स्टेक्स इन एक्सिस बैंक पर इसमें स्टेक्स होल्डिंग करके रखा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है ये एक्सिस बैंक का स्टॉक्स तो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इन्वेस्टेड रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपने आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक का स्टॉक्स ज़रूर ऐड कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।